है नहीं, इतना रिलीजियस फ्रीडम है थोनों ना, तुसी देख लो बंगला आर्च की हो रहा है, ठीक है, तुसी देख लो मॉब लिंचिंग की होंगी है इन्हों की। सो मुसलमान तो इन्ना डरिया होया है सारी हिंदुस्तान तरस की हालत है मुसलमान की, असं तो फिर खड़े हैं आवाज़ उठते हैं तो आवाज़ भी नहीं चुकती, तुस थोनू जलील कर दें जो छड़ना हो किसी को, सरकार एक घंटे छड़ दें, जो किसी को टंगना हो तो सुप्रीम कोर्ट रात को लग जाती है, तो जो छड़ना होंगे तो जलील करते हैं, जलालत कर करके थोड़ा एक बंदा छड़ देंगे। तुसी ये देखो भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट ऐलान ने कि जिहड़ा दिसदा ना हो लुकिया हुआ हो बहुत नुकसान कर रहे हैं। सो इसका एब्सोल्यूटली ट्रुथ है कि बीजेपी का बी टीम है की है, वो ये उत्थे ही प्रेजेंट है उन्होंने स्टेटा जिथे बीजेपी ने आप सरकार नहीं बना। सो ये कोई डाउट ही है नहीं, उन्होंने बी टीम आइडियोलॉजी उ है, प्रोडक्ट उ ने। सो सो रनता इन्हें वो जी डोबल करता। हाँ जी देखो जी, संत जरनैल सिंह कहते चले गए, सरदीप सिंह कहते चले गए, ये तो हम कौम को समझना पड़ेगा, ये तो बलियां हो रही ने, बलियां चढ़ रहे हैं। मैं तो कहना उन्होंने किन्ने सौ साल तो अभी शहीद हो जाने, साडा काम सिर्फ शहीद होना ही। इतने 75 साल च ये जिन्या गवर्नमेंट्स बनिया ने ये गुरबत नहीं कट सकी। साडा यूनो जिहड़ा पंजाब का वसनीक है वह गरीबी चो नहीं निकल सकिया, इतों प्रवास हो रहा है, इतने जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, रोटी खाण है नहीं, ये थोनों इकनोमिकली शिकंजे इतने असी जिहड़ा एग्रीकल्चर पैटर्न है उन्होंने चेंज करांगे और रिम्यूनरेटिव हो तो कुछ भी नहीं होया। वो 2000 रुपया जे 1000 रुपया जे बीबिया देना कितों आना, वैल्थ क्रिएशन की कोई नहीं गल कर, इतने सानू वैल्थ क्रिएशन की लड़ है। अकाली दल अमृतसर बड़ा सुविध जमात है, सानू पता है जब तक असी वैल्थ क्रिएशन ना की इतने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना जनरेट की उदों तक असी किसी पास नहीं लग सकते। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो सिख चैनल ते मैं अमनदीप सिंह गड़ी। अज सरदार जसवंत सिंह मान उन्हां दी याद दे विच पीपल कन्वेंशन सेंटर विखे मनुखी अधिकारां नूं लैके, ह्यूमन राइट्स नूं लैके जिहड़ा अज कन्वेंशन रखी गई सी, जिस दे विच काफ़ी सारे नामी चेहरे भी पहुँचे, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिहड़े उन्होंने प्रधान जिहड़े सिमरजीत सिंह मान भी इत्थे पहुँचे। तो साढ़े नाल जिहड़े उन्होंने बेटे जुड़े हुए ने उन्हां नाल गलबात करांगे आपां। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जी किवें देख रहे हो मनुखी अधिकारां दी, जे गल कर लईए आपां मनुखी अधिकारां दा जिहड़ा मसला है, हुण भारतीय संविधान दे विच कहिंदे कि मनुखी अधिकार जिहड़े दित्ते गए आ, पर लगातार मनुखी अधिकारां दा घाणे हुंदा आ रिहा आ। देखिया जावे चाहे उह घट गिणतियां दी गल कर लईए, चाहे लेडीज़ नाल आपां शोषण दी गल कर लईए, चाहे किसी भी तरहां देख लईए, मनुखी अधिकारां दा लगातार घाण हुंदा आ रिहा आ, किस तरहां देखदे हो जी? देखो जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, इहदे विच इक बड़ा बेसिक कॉन्फलिक्ट है। एक पासे तुहानूं राइट टू फ्रीडम्स दिंदे ने डिफरेंट ने, है ना, राइट टू फ्रीडम, दूजे पासे वो जी राइट्स ने उन्हों कर्व कर रही लैजिस्लेशन बने हुए हैं, चाहे उन्होंने टाडा कह लो या यूआपा कह लो। सो ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन हैगी है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द स्टेट। सो जदों तक ये कॉन्ट्रडिक्शनस मुकदिया नहीं, फ्रीडम्स लैजिस्लेटिवली एबसोल्यूट नहीं होंदिया, उदों तक ये नहीं मिल सकदिया। एंड सैकेंडली जिहड़ा नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया हैगा आ इस मुल्क का, ये सारिया जिहड़िया कर्व्स ने फ्रीडम दिया, चाहे वह कश्मीर है, चाहे वह पंजाब है, चाहे वह मिड फार ईस्ट हैगा आ सारा, यू नो नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट है सारा, सॉरी फार ईस्ट हैगा, या तमिलनाडु है, ये सारिया चीज़ा उत्थे लगदिया ने नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज दे विच। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन है बेसिकली, ये कॉन्स्टिट्यूशन च पहला फ्रीडम दे के नाम दी, उदू बाद लॉज ला दिते ने, तो ये बेसिकली अथॉरिटेरियन स्टेट हैगी। सो इत्थे इहदे फ्रीडम है नहीं, ना रिलीजियस फ्रीडम है थोनू ना, तुसी देख लो बंगलौर च की हो रहा है, ठीक है, तुसी देख लो मॉब लिंचिंग की होंदी है इन्हां दी। सो मुसलमान तो इन्ना डरिया होया है मतलब सारी हिंदुस्तान च, भाई
तरस की हालत है मुसलमान की, असं तो फिर खड़े हैं आवाज़ उठते हैं तो आवाज़ भी नहीं चुकते जी। गल अक्सर सिमरजीत सिंह मान भी, तुम भी चलो उन्होंने पार्टी जनरल सकत्र हो, तो जो गल कर लिए तो लगातार हिंदुत्ववाद की भी गल होंगी है कि हिंदू वह जो असल च हिंदू है या फिर वो पिछे होर ताकत भी काम कर दें जो घट गिणती। समझो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, वो एक थॉट प्रोसेस है जिन्हों असी फाइट कर रहे हैं, जोड़ा साढ़े तो थोपना चाहता है, वो जो गुरु नानक साहब का फलसफा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फलसफा है, वो उल्ट है। असी वन गॉड की गल करते हैं, असी एक ओंकार की गल करते हैं, असी इक्वालिटी की गल करते हैं, बराबरता की गल करते हैं, वो मनु आश्रम च है, वो बुत प्रस्त ने, वो आइडियोलॉजी फर्क है, इट्स नॉट अ वे ऑफ लाइफ। जो साढ़े रादर दैन देखो साढ़े बजुर्गों ने यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन की 1947 एक एस्पिरेशन और अरमान लैके विच सैडली नहीं पूरे हुए, सो ये पोजिशन हैगी। प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में लैके की लगता है जी, लगातार कई बार मीटिंगा भी हुई सन थोनू जलील कर देने जो छड़ना हो किसी सरकार एक घंटे छड़ दिंदियां ने, जदों किसी नूं टंगना होवे ना तो सुप्रीम कोर्ट रात नूं लग जांदी है, तो जे छड़ना हुंदा इह तुहानूं जलील करदे ने, जलालत कर करके थोड़ा एक बंदा छड़ देणगे। तुसीं इह देखो भगवंत मान नूं अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट ऐलानण ने किन्ना जलील किया, सो इह तुहानूं जलील करना चाहुंदे आ, दैट्स इट। जे गल कर लिए आपां जिहड़ी आम आदमी पार्टी उहनूं बीजेपी दी बी टीम भी कहा जांदा, की लगदा एक पासे बीजेपी केंद्र सरकार जिहड़ी आ उह अनाउंस कर दिंदी है कि बंदी सिंघां नूं रिहा कर दित्ता जाएगा, दूसरे पासे उहदा मसला लटक जांदा, तुहानूं लगदा वी विच बीजेपी ते आम आदमी पार्टी दे विच कुछ चलदा आ जां फिर आम आदमी पार्टी इह तों भी खतरनाक पार्टी आ जिहड़ी घट गिणतियां नूं निशाना ते लऊगी जी? जिहड़ा दुश्मन सामणे दिस रिहा होवे ना, दुश्मन जमात, उहदे ते तुसीं ख्याल हो जांदे, जिहड़ा दिसदा ना होवे लुकया हुआ हो बहुत नुकसान कर जाती है। सो ये एब्सोल्यूटली ट्रुथ है कि बीजेपी का बी टीम हैगी है, वो ये उत्थे ही प्रेजेंट है उन्होंने स्टेटा जिथे बीजेपी ने आप सरकार नहीं बनानी। सो ये कोई डाउट ही है नहीं, उन्होंने बी टीम आइडियोलॉजी उ है, प्रोडक्ट उ ने, सो जी सो रन तेन जी डोबल कर। हाँ जी, जे गल कर लिए आप श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की, तो किस तरह का जो मैनीफेस्टो लैके चले हुए हैं कि किस तरह का जो गल कर लिए? जी सब तो पहला तो साढ़े गुरबत इन्नी है, इतने 75 साल च ये जिन्या गवर्नमेंट्स बनिया ने ये गुरबत नहीं कट सकिया, साडा यूनो जिहड़ा पंजाब का वसनीक है वह गरीबी चो नहीं निकल सकिया, इतों प्रवास हो रहा है, इतने जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, रोटी खाण नू है नहीं, ये थोनों इकनोमिकली शिकंजे च। सो सब तो पहला तो जिहड़ा साडा यूनो एजेंडा हैगा बिसाइड्स अदर थिंग्स इज इतों गुरबत कढ़नी, गुरबत नू फाइट करना, बिकॉज जो इंडियन स्टेट का हाल है वो थोनों गुरबत डे बाई डे धक्की जा रही है, कर्जियां च धक्की जा रही है, डोल्स दे दे के थोनों। केजरीवाल ने तो कहा जी, फलाने ने कहा जी मैं इन्ने दे दूंगा, दूजा कहिंदा इन्ने, किसी ने कहा मैं इंडस्ट्री लियाऊंगा, आ रीस्ट्रक्चरल रिफॉर्म लियावांगे, इतने असी जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उन्होंने चेंज करा और रिम्यूनरेटिव होवे, ये तो कुछ भी नहीं होया, वो 2000 रुपया जे 1000 रुपया जे बीबिया देना कितों आना, वैल्थ क्रिएशन की कोई नहीं गल करता, इतने सानू वैल्थ क्रिएशन की लड़ है। अकाली दल अमृतसर बड़ा सुहिरद जमात है, सानू पता है जब तक असी वैल्थ क्रिएशन ना की, इतने इंपलॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना जनरेट कीतियां, उदों तक असी किसी पासे नहीं लग सकते। जे गल कर लिए तो स्टेट की, स्टेट में जाने की गल करते हो सीधे तौर पर, चोणा लड़ के स्टेट में जाना चाहते हो तो सेंटर को जो धक्का हो रहा रोकया जा सके, पर लगता कि स्टेट की जी पंजाब विधानसभा है वो इन्नी ताकत हैगी है कि वह सेंटर दियाँ स्कीम रोक सके? सॉरी सॉरी पूरी पूरे सवाल होना, मेरे कहने का मेरा जोड़ा सवाल है जी वो ये है जी कि जिस तरह खेती कानून थोपे गए प स्टेट के उत्ते पंजाब के उत्ते भाखड़ा डैम का, उत्थे भाखड़ा डैम के जिहड़ी नियुक्ति सी जिहड़ा सिंचाई दी है ना उस। हाँ जी देखो एक आदमी नूं इनफेक्शन हो जाती है एक शरीर नूं बॉडी नूं, सो सब तो पहला सानूं हुंदा जे उहनूं बुखार है उहदा जख्म रिस रहा है उहनूं ठीक किया जाए, फिर नैक्सट हुंदा भी सोर्स ऑफ इनफेक्शन नूं खत्म किया जाए, सो पहला तो हैगा भी जिहड़ी इमीजिएट प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जाए, उस तों बाद
यू नो पंजाब नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, चाहे वह टैक्सेशन है, चाहे वह जिन्हें साडे नैचुरल रिसोर्सिज हैं उसकी मोनेटाइजेशन है, थोड़ा पानी जा रहा है, थोड़े हक हकूक खोए जा रहे हैं। सो दो पद्धर की लड़ाई है, एक लड़ाई तो हैगी है भी अपने जिहड़े थोड़े राइट्स थोड़े तो खो ले गए ने उन्हें वापस लेना, दूजी इमीडिएट जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी है विच यू नो बैटर एडमिनिस्ट्रेशन नाल लिमिटेड वेज थोड़ी जी गुरबत घट की जा सकती है। और दूसरी गल है असी बहुत सीरीयस हाँ पाकिस्तान ट्रेड खोलने जी, बिकॉज पाकिस्तान का ट्रेड खुलता है, साड़ी जिंस भी जाती है, साड़ी ट्रांसपोर्ट भी चलती है, साड़ी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। सो ये सारा लगता सेंटर खोलन दोगी अगर मान लो सरकार बनती है जी। आप जाके उत्थे बैठ गए सी ते मोदी साहब ने कानून वापस ले ले सी ना, पर ये ता मसला काफ़ी वड्डा है इंटरनेशनल, कोई वड्डा मसला नहीं है जी। कौतक वरतदा खुलिया नहीं करतारपुर साहब जी, बिल्कुल बस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੀਆਂ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK।